डड्डू माजरा कॉलोनी के निवासी व कांग्रेस पार्टी के कुछ अधिकारी द्वारा डड्डू माजरा कॉलोनी में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन डंपिंग ग्राउंड के बिल्कुल सामने पार्क के साथ बैठकर किया जा रहा है और इसमें प्रशासन की हिदायतों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे मनोज ने बताया कि इस धरना प्रदर्शन का आज 10वां दिन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदा सरकार होने का फायदा उठा रही है और मनमानी कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डंपिंग ग्राउंड के साथ एक जानवरों का निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है, जो हम कदापि नहीं लगने देंगे। ये बीजेपी के जनरल हाउस मीटिंग में जो हाउस की मीटिंग हुई थी 29 तारीख को ऑनलाइन मीटिंग, उसमें एक प्रोजेक्ट आया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में पशु शव दाह को जो प्लांट लगाने वाले थे वो प्लांट लगना था, जो कि उन्होंने बीजेपी ने गलत ढंग से, जो कि एजेंडा नहीं था कि सेक्टर 25 में ये प्लांट लगना था, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी ने अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए, उन्होंने अपने जो लोगों ने उन्हें नुमाइंदगी दी थी उन्होंने उसको गलत तरीके से प्रयोग करके अपना गलत ढंग से ये पास किया एजेंडा कि ये सेक्टर 25 में ये प्लांट जो लगेगा और यहाँ पर जो ये प्लांट है ये बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डड्डू माजरा के अंदर पहले ही एक डंपिंग ग्राउंड है और यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड भी है यहाँ पर, और यहाँ पे गार्बेज प्लांट भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ के लोग तो पहले ही नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं और यहाँ पर उनके बच्चों के भविष्यों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो कि हम ये जो प्रदर्शन है लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए और प्रॉपर सामाजिक दूरी बनाते हुए, हर रोज़ हम 4 लोग 5 लोग हम यहाँ पर धरने पर बैठते हैं बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी नारेबाजी के हम यहाँ पर बैठते हैं और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो कि हम भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो भूख हड़ताल है ये हमारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पवन बंसल जी और प्रदीप छाबड़ा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये पूरी कांग्रेस का धरना चल रहा है, भूख हड़ताल जारी है और ये जब तक ये मसला यहाँ पर ये प्लांट लगाने का जो फैसला है वापस नहीं लेते तब तक यह धरना हमारा जारी रहेगा और अगर ज़रूरत लगी तो हम इस आंदोलन को और भी तेज़ करेंगे, जो कि हमारा इस फैसले को लेकर जो भी हमारे ऊपर से हाईकमान का ऑर्डर होगा वो हमें मान्य होगा। तो सर अभी तक मौजूदा सरकार चंडीगढ़ में जो भी बीजेपी सरकार है उनकी तरफ से कोई आपकी आवाज़ सुनने को आया अभी तक? नहीं, प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया और उससे भी गनीमत की बात ये है कि यहाँ पर जो और भी जो जिनको यहाँ पर आना चाहिए, हमारे कमिश्नर साहब, जो हमारे मेयर मैडम हैं या हमारे यहाँ के काउंसलर और दूसरे हैं जिन्होंने बीजेपी ने यहाँ पर पास किया है, हम ये चाहते हैं कि वो भी आएँ। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करते लेकिन वो आएँ और हमारी समस्या सुनें, क्योंकि जो ये यहाँ पे समस्या है ये आम लोगों की समस्या है। यहाँ पर कम से कम भी 2 से 3 लाख लोग जो हैं उनके बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे। पहले ही वो यहाँ पर कई लोगों को बहुत ही सांस की बीमारी हो गई है, किसी को चरम रोग हो गया है जिसे स्किन की रोग उसमें कहते हैं, बहुत तरह की बीमारियाँ हो गई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस डंपिंग ग्राउंड के ऑलरेडी होने के कारण, और अगर वो प्लांट यहाँ पर लग गया तो और पता नहीं कितनी तरह की गैस निकलेंगी और कितनी तरह की बीमारियाँ और बनेंगी। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि पहले ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं और ये और बीमारियाँ हमारे को ये और देना चाहते हैं। सर यहाँ की जो काउंसलर है फरमीला जी, क्या वो भी नहीं आए अभी तक आपके पास? जी अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया और हम अपने प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर जारी हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी अब सुनवाई नहीं होती। और मैं आपको अपनी तरफ से एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे को यह सुनने में आया था कि जब हाउस चल रहा था तो यह बात चली कि किसी पार्षद ने, डिप्टी मेयर या और सीनियर डिप्टी मेयर में से किसी ने यह बात कही है कि जो यह प्लांट लगेगा उसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। तो मैं आपको एक बात इस आपके माध्यम से यह लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं और अपने अफसरों तक भी यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर घर में एक चूहा मर जाता है, हमारे ऑफिस में या कहीं पर बाहर भी अगर कोई छोटा सा भी जानवर या कोई चूहा मर जाता है तो उसकी घर से जो दुर्गंध है वो 2 से 3 दिन तक नहीं जाती। तो ऐसे में कैसे संभव है कि इतना बड़ा प्लांट लगेगा और उसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी? सर किसने कहा था कि ये स्मेल नहीं आएगी? ये जहाँ तक मुझे सुनने में आया जी, रविकांत शर्मा जी ने ये बात कही थी, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोगों को धोखे में रखकर ये प्लांट ना लगाएं, अगर जो सच्चाई है वही बताएं।
कि अगर यह प्लांट लगता है, और हमारी एक और डिमांड है, अगर यह प्लांट प्रशासन या कॉरपोरेशन अगर वाकई यहाँ लगाना चाहता है तो हम उनके साथ तैयार हैं, लेकिन एक हमारी शर्त होगी, हम उस शर्त के साथ तैयार रहेंगे। हम कहते हैं यहाँ पर एक नहीं 10 प्लांट लगाएं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं डड्डू माजरा में, धनास में, सेक्टर 25 में, 37 में, 38 में, 38 वेस्ट में, या और भी आसपास के एरिए जहाँ तक इसकी बदबू जाती है, उन सभी लोगों को जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उतनी ही प्रॉपर्टी या उसकी डबल प्रॉपर्टी उनको चंडीगढ़ शहर के अंदर ही उनको दी जानी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर उनको बसाया जाए। उसके बाद यहाँ पर सरकार, प्रशासन, कॉरपोरेशन एक नहीं 10 प्लांट लगाए, क्योंकि जीने का अधिकार सभी को है। चंडीगढ़ से अमित की रिपोर्ट।